टैटू के लिए आए ना अपन इधर? हाँ भैया, तो टैटू के लिए आए तो इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। हाँ, बोल सकते शर्माना तो नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। टेंथ में सीबीएसई में बढ़िया अच्छे अंकों से पास हुआ है। अच्छा, और बोले कि मैं पास हो जाऊँ तो मेरे को टैटू बनवा देना। हाँ, इसी के लिए लेके आए। अच्छा, और आपका नाम सुना है। हाँ, बहुत बढ़िया है, तो इसीलिए मैंने से ही बनवाएंगे अपन। ठीक है, तो फिर शुरू करें। हाँ भैया, डर तो नहीं लग रहा? नहीं भैया, डर नहीं लग रहा। पक्का? हाँ भैया। मतलब कोई ऐसे हिचकिचाहट या कुछ तो नहीं हो रही? नहीं भैया, मेरे बचपन से अपना टैटू बनवा। आराम से रिलैक्स रहना। हाँ भैया, कोई ऐसा अपन को सब वो नहीं है, सब नॉर्मल है। वैसे भी तुम्हारा बचपन का सपना है तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है ना, बहुत कम ऐसा होता है कि कोई फादर जो है ना अपने लड़के के ड्रीम के लिए टैटू बनवा रहा हो, समझ रहा? हाँ भैया। अभी तक क्या होता है, बच्चे लोग ना, मेरे पास जितने बच्चे आते हैं ना, सब यही बोलते हुए आते हैं कि अभी तक हमने घर में बताया नहीं है कि हम टैटू बनवा रहे हैं। तुम मतलब पहले हैं, तुम ऐसे हो जो पापा साथ में आए हैं खुद टैटू बनवाने के लिए। हाँ भैया, अच्छे नंबरों से पास हुए ना। हाँ, बस फिर और क्या चाहिए, अब टैटू बन रहा तुमको। हाँ भैया, तो आर्मबैंड टैटू पे क्यों सोचा? देखो, आज के डेट में सब अलग अलग चीजें बनवा रहे हैं। मैंने सोचा कि पहले तो हाथ थोड़ा सा, मेरा कलर थोड़ा सा गोरा है, तो मैं सोच पे अच्छा लगेगा ब्लैक बैंड ऐसा। हाँ, तो मैं अच्छी बताऊँ, जो आर्मबैंड तुम बनवा रहे हो ना। हाँ भैया, यही सेम आर्मबैंड मैंने मेरे भाई को बनाया और हाँ, सेकंड टाइम तुमको बना रहा हूँ ये वाला आर्मबैंड। तो अच्छा लगता है ना भैया स्किन पे? क्यों नहीं लगता। टैटू के मामले में क्या है, बहुत सारे लोग अलग अलग ज्ञान देते हैं, ये बनवा लो, वो बनवा लो, ये बनवा लो, बट जो अपने दिल बोले ना वो बनवाने का, क्योंकि उसका कभी जिंदगी भर लाइफ में रिग्रेट नहीं रहेगा। भैया कितना टाइम लग जाएगा ऐसे अपन को? ज्यादा नहीं लगेगा, फिलिंग करनी है अपन को, बॉर्डर फिलिंग और बर्ड्स, 2-2.5 घंटे में कंप्लीट फिनिश। क्यों, कर जाना है? नहीं नहीं भैया, पूछ रहा था। तो काम अपन आराम से करेंगे, जल्दबाजी का काम शैतान का, सुना ना? हाँ भैया, ये दवाई होती है, ये एक टाइप का लोकल एनेस्थीसिया है, ये समझ लो। अब हाथ को बिल्कुल भी हिलाना नहीं, ठीक है? क्योंकि अपन को स्टेंसिल छापना, बिल्कुल भी हाथ को अपन हिलाएंगे नहीं, ठीक है? हाँ भैया, एज इट इज का एज इट इज रखेंगे। सही है, सही ना? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो क्या है, बॉडी फैट कम है ना, तो इसीलिए वेंस दिख रही। बच्चों का सपना तो माँ बाप ही पूरा करते हैं ना। इसीलिए मैं किसी चीज के लिए बच्चों को मना नहीं करता, बच्चों को बोलता बस हाँ ये है कि अपन अच्छे बने, अच्छा ही काम करें। सही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो मेरे पापा ने मुझे कभी मना नहीं किया किसी चीज के लिए, तो मैं अपने बच्चों को क्यों मना करूं? मैं भी फ्री छोड़ रहा हूं। मेन वही है आज की दुनिया में, बस मेन यही है, चलेगा इंसान अच्छा। अच्छी सीख देते हैं क्या अपन लोग को? लगता है बड़े लोग थोड़ा सा लाइक बोलते हैं, लेकिन बड़ा हमेशा भलाई के लिए ही सोचता है, कभी भी अपने गलत के लिए कभी नहीं सोचता। ये 3 नीडल्स हैं जो तुम्हारे टैटू में इस्तेमाल होंगी, तीनों की एक्सपायरी डेट देख लो अच्छे से। नीडल्स पैक हैं, ठीक है, स्टेलाइज हैं और इनकी एक्सपायरी डेट देख लो। यार तीन क्यों लगता है इसमें? तीन क्यों लगता है? टैटू तो एक बनवाना तो एक लगना चाहिए ना? काम के हिसाब से नीडल लगती है। अच्छा, ठीक है। हाँ, ऑलवेज रिमेम्बर, कभी भी यहाँ नहीं, कहीं भी टैटू बनवाओ मेरे पास, या फिर इन फ्यूचर कभी बड़े कहीं बाहर जाओ, बाहर टैटू बनवाओ, तो ऑलवेज रिमेम्बर कि नीडल की एक्सपायरी डेट देखना बहुत जरूरी है, और नीडल पैक है ये देखना बहुत जरूरी है, ठीक है? हाँ, कभी भी किसी के पास भी जाओ तो ये हमेशा चेक करना, ये अपना राइट होता है, ठीक है? हाँ, ये हर कोई खुद से नहीं दिखाता, मतलब आप दिखा रहे हो, बाकी आपको पूछना पड़ता है। एक्सपीरियंस करने को तैयार कि टैटू कैसे लगता है? जरूर कोशिश करेंगे, ज्यादा दर्द नहीं हुआ तुमको? हाँ, कैसा लगा? नहीं हुआ दर्द उतना, मतलब जितना सोच के बैठा था उतना दर्द नहीं हुआ, जितना सोचे थे उतना दर्द नहीं हुआ। हाँ, लेकिन दर्द हुआ। हाँ, दर्द तो हुआ थोड़ा। मतलब कैसा फील हो रहा है, क्या बताना चाहोगे जो लोग नए लोग जो वीडियो देख रहे होंगे उनको? कुछ नहीं, बस ऐसा अपना पेन होता है ना, ज्यादा अंदर तक गड़ा देते हैं हम, वैसा लग रहा है। कुछ लोग बोलते हैं चींटी काटती है वैसा लगता है। हाँ, थोड़ा बहुत वैसा ही। ज्यादा पेनफुल नहीं है? ज्यादा पेनफुल नहीं है, सहन लायक है। बहुत सारे लोगों को ये डर लगता है ना कि टैटू बनवाने में बहुत दर्द होता होगा। नहीं नहीं, मैं बोलना चाहूँगा सेफ है, बनवा सकते हैं। हाँ, मतलब ये जो पेन है ना, मतलब ये पेन जो है, ये पेन मतलब आर्टिस्ट के हाथ पे डिपेंड करता है। हाँ, कितना पेन होगा, कितना पेन होगा, क्योंकि हम जितनी निडल तुमको चुबाएंगे उतना तुमको दर्द होगा। आधे से ज्यादा लोग तो टैटू इसीलिए नहीं बनवाते कि उनको दर्द का बहुत डर रहता है। फिर मेरी प्रोफाइल कहाँ से मिली? भैया मैं तो अपना यूट्यूब पे अपना रिसर्च कर रहा था, अराउंड अपना 2 मंथ्स हो गए। अच्छा। हाँ, रिजल्ट आने वाला था, तो मैं सोच के बैठा था रिजल्ट अगर अच्छा हुआ तो पापा को इस चीज़ का बोलूंगा। हाँ, तो 2 महीने से आपका स्टॉप कर रहा था मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम। अच्छा। हाँ, पहले 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 कहाँ मिला मैं तुमको? पहले पहले भैया आप मुझे यूट्यूब पे मिले, यूट्यूब से मैंने आपका इंस्टाग्राम व्हाट्सएप इसमें नंबर वंबर देख लिया, फिर पापा को बताया। अच्छा। They are among us.
as the skies light up, they believe we are blissfully unaware. But this activity by non-human extraterrestrial technology is capturing the attention of humans. लगा टैटू अच्छा भैया अच्छा हाँ फिर कैसा रहा एक्सपीरियंस तुम्हारा तो शेयर करना चाहोगे अच्छा था बट मतलब बड़े टैटूज में लास्ट जो थर्ड वाला नीडल होती है ना हाँ। उसमें पेन होता है बाकी वो जो छोटा छोटा था वो उसमें नहीं हुआ